हेलो स्टूडेंट अनिशा वर्सेस सालवी योर बायोलॉजी मिंटोर। तो बच्चों वेलकम टू आवर अनदर टॉपिक ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हम आज बात करेंगे कि किस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हेल्प करते हैं, इसी के साथ में बायो कंट्रोल की तरह ये किस तरह से काम करते हैं, सारी की सारी आज जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हम करेंगे इस पार्ट के तहत। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रोब जो है सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे काम करते हैं, इससे पहले आज का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, राइट। चलिए, हमने इस चैप्टर में बात करी थी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट। इसके अंदर हमने जो स्टार्टिंग करी थी बच्चों, वो हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड कैसे काम कर रहे थे। तो आपने देखा था कि मैम हमने क्या बनाया था, कर्ड, हमने बनाई थी चीज, और हमने बनाया था डोसा एंड इडली। इसके अलावा हमने बनाया था टॉडी, और इसके अलावा यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रेड, राइट। ये हमने बात करी थी कौन कौन से माइक्रोब्स हैं जो हेल्प करते हैं। फिर आप बात करी थी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, इसमें हमने देखा था बच्चों कि माइक्रोब जो थे वो बेवरेज बनाने में कैसे हेल्प कर रहे थे, बेवरेजेस। फिर हमने बात करी थी बेवरेज के अलावा एंटीबायोटिक्स, राइट, एंटीबायोटिक्स। लिखते लिखते मेरी तो स्पेलिंग ही मिक्स हो जाती है, एंटीबायोटिक्स, राइट। इसके अलावा हमने केमिकल्स की बात करी थी, एंजाइम्स की बात करी थी, और एसिड्स की बात करी थी, हाँ या ना, ये बात करी थी। फिर इसके अलावा ये हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया था। आज का जो पार्ट है बच्चों, उसमें हम देखेंगे सीवेज ट्रीटमेंट, इसके अलावा हम देखेंगे बायोगैस प्रोडक्शन, और इसके अलावा हम बात करेंगे बायो कंट्रोल के बारे में, ठीक है, बायो कंट्रोल। देखो बच्चों, यहाँ पर जो बात है कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, तो यदि कर्ड बनाने में आप बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि लैक्टोबैसिलस, जो मैम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हेल्प कर रहा था, बैक्टीरिया हेल्प कर रहा था। मिल्क से हम कर्ड से हम क्या मतलब, मिल्क में हम कर्ड डाल करके कर्ड बना रहे थे, इनोकुलम डाल करके कर्ड बना रहे थे एट 40 डिग्री टेम्परेचर और लेस, ये बात करी थी। इसके अलावा क्या काम कर रहा था, जैसे ही आपने मिल्क में इनोकुलम डाला था तो आपने देखा था कि मैम इसके अंदर जो मिल्क के अंदर केसिन प्रोटीन होते हैं वो पार्शली डाइजेशन हो जाता है उसका, ठीक है, कोगुलेशन होता है, जिसकी वजह से लैक्टो जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात हमने कर्ड में करी थी। फिर हमने चीज़ देखा था, चीज़ हमने दो तरीके से देखा था, एक तो स्विस चीज़ देखा था और एक फोर्टिक्यू चीज़ देखा था। स्विस चीज़ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, बैक्टीरिया, जिसमें मैंने कहा था कि जो शर्मा जी है शर्माते हुए स्विट्जरलैंड चले गए हैं, तो आपने याद कीजिए प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये वाला हमने इसके अंदर देखा था। फिर हमने एक और जो चीज़ देखी थी वो करी थी रोटी रेक्यू 40 चीज़ हमने बात करी थी, उसके अंदर क्या था माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा, फंजाय था। फंजाय के अंदर हमने देखा था कि इसके अंदर जो बैक फंजाय का नाम था वो था हमारा पेनिसिलियम रॉक्यू फोर्टाय, राइट। फिर हमने बात करी थी डोसा और इडली में, डोसा और इडली में बैक्टीरियम थे, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज थी, क्लियर दैट, ये वाली बात। ब्रेड में हमने बोला कि मैम इसमें बेकर्स ईस्ट का काम आता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसाए ईस्ट प्रेजेंट होता है, और जो हमारी टॉडी होती है वो पाम सैप से बनी हुई होती है, ये बात कर ली थी हमने, क्लियर दैट।
अब हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बेवरेज की बात करी थी, बेवरेज में भी हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेवैसी ईस्ट ने काम किया था। एंटीबायोटिक्स में हमने पेनिसिलिन की बात करी थी, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्रायोजीनम, ठीक है। केमिकल और एंजाइम्स में, एसिड्स में हमने बात करी थी, याद करो ए बी सी एल, एसिडो एसिटिक एसिड, ठीक है, और हमारा बुटायरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये एसिड्स की बात करी थी, और इसी से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेट कर रहे थे नेम से, क्लियर दैट। केवल हमारा जो सिट्रिक एसिड था इसके अंदर ईस्ट और फंगस थी, बाकी सब के सब बैक्टीरिया से निकलने वाले एसिड थे, याद आ गई बात। एंजाइम्स की हमने बात करी थी, कुछ केमिकल्स की बात करी थी जिसमें हमने बात करी थी स्टैटिन, जो कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है, ठीक है, स्टैटिन से निकलता है। फिर हमने बोला था कि एक स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है जो हार्ट अटैक में हेल्प करता है, हार्ट अटैक से जो पेशेंट आते हैं उसका जो ब्लड में जो थिकनेस आ जाती है या क्लॉटिंग हो जाती है उसको कम करने के लिए हेल्प करता है, ये बात हमने करी थी, क्लियर दैट। एंजाइम्स हमने देख लिए थे कि कोई लॉन्ड्री में काम आ रहा है, कोई डिटर्जेंट की तरह काम आ रहा है, कुछ जो मार्क्स लग जाते हैं सब्जियों के उसको हटाने में काम कर रहा है, कुछ पैक्टिनेज की तरह से वर्क कर रहा है, क्लियर दैट। ये सारी की सारी बात करी थी हमने प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हेल्प करते हैं, एज अ बायो कंट्रोल, बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर्स की हम बात करेंगे। आई होप कि प्रीवियस वीडियो भी आपके पास पूरा क्लियर हो गया है, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे आज सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है बच्चों, जो भी गंदगी होती है चाहे वो घरों से आए, ठीक है, चाहे वो आपके इंडस्ट्रीज से आए, राइट, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही गंदा वेस्ट होता है जिसको हम सीवेज वेस्ट कहते हैं, और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्योंकि यदि हम बात करें कि ऐसे ही हमने डायरेक्ट जो सीवेज है उसको रिवर में डाल दिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उनको ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, और ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा मतलब जिस तरह से वो रिड्यूस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बीओडी की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी और यूट्रोफिफिकेशन हो जाएगा। वो हमें कंट्रोल करना है तो हमें क्या करने पड़ेगा, इस सीवेज को हमें सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जो ट्रीटमेंट की चीज़ें देखी है, तीन तरीके से हम ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, राइट, इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। दूसरा हम करते हैं बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसी को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें माइक्रोब्स का रिक्वायरमेंट होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एंड लास्ट वन हमारा होता है टर्शरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम यूवी रेज, क्लोरीन, और इसके अलावा यूवी रेज हो गया, क्लोरीन हो गया, और आरओ हो गया, ठीक है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, बहुत सारी चीज़ें हैं हम यूज़ करते हैं किसके लिए, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, जो वाटर हमारे घरों में आता है उसके लिए, क्लियर दैट। ये तीनों ट्रीटमेंट अब हम पढ़ेंगे, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से प्राइमरी स्लज होता है, सेकेंडरी स्लज क्या होता है, सेटलमेंट टैंक क्या होते हैं, सारी की सारी बातें अभी करते हैं, आ जाइए। नाउ वी हैव, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो सीवेज है, ठीक है, सीवेज का हम इनपुट करवाएंगे, ठीक है, सीवेज का इनपुट इधर से होगा, राइट, ये क्या जाएगा, सबसे पहले ये जाएगा प्राइमरी टैंक में, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक हम इसको कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और यहां पर जो मेथड है वो क्या चलता है, फिजिकल ट्रीटमेंट यहां पर आप देखोगे, ठीक है, फिजिकल ट्रीटमेंट और
सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये दो ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे बेसिकली, जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है. नाउ यहाँ पर आपके पास जो प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों प्राइमरी टैंक के बारे में. ये जब आप चीजें समझ जाओगे तो हो जाएगा. अब देखो सीवेज का जो है, सीवेज है उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है. ठीक है, हम देख रहे हैं जो सीवेज है उसमें क्या क्या हो सकता है. ठीक है, इसमें प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं, इसमें सैंड हो सकती है, इसके अंदर पेबल्स हो सकते हैं, इसके अंदर स्टोन्स हो सकते हैं, राइट. और बाकी जो गंदगी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है वो भी. ठीक है, लिक्विड फॉर्म में भी जो गंदगी हो सकती है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है. अब हमें प्राइमरी टैंक में क्या करना है, जो भी सॉलिड है उसको हमें क्या करना है, सेडिमेंट करवाना है, फिल्ट्रेशन करवाना है. तो प्राइमरी टैंक में ये सीवेज आएगा किसमें, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाएगा. ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाएगा. अब ये आया यहां से, मान लो ये हमने सीवेज इनपुट करवा दिया, इनपुट करवाया, अब टैंक में क्या हो रहा है. ठीक है, टैंक में क्या हो रहा है ये समझोगे, वाटर आया, अब ये वाटर यहां पर है, जो भी भारी सामान होगा सॉलिड होगा वो यहां पर सेटल कर जाएगा, क्या यहां पर सेटल कर जाएगा. इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बच्चों सेडिमेंटेशन. यहां पे सेडिमेंटेशन हो जाएगा, सेडिमेंट हो जाएंगे, और जो सेडिमेंट हुआ है, ठीक है, ये जो सेडिमेंट हुआ है इसी को मैं क्या कह रही हूं, प्राइमरी स्लज. ये बात समझ में आ गई, प्राइमरी स्लज के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, मड हो सकती है, ठीक है, स्टोन हो सकते हैं, इसके अलावा मैं बात करूं पेबल्स हो सकते हैं. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, यहां पर क्या करा तुमने, फिल्ट्रेशन टेक्निक करी ना, फिल्ट्रेशन टेक्निक करी, तो आप क्या बोल दोगे इसको, प्राइमरी फिल्ट्रेशन टेक्निक. अब देखो बच्चों क्या हुआ, दो तरह की चीजें आई जब हमने फिल्ट्रेशन किया. जब आप किसी चीज को छानते हो तो भारी चीज, ठीक है, एक तो सॉलिड चीज आएगी और एक लिक्विड फेज आएगी, क्योंकि क्या है सीवेज में लिक्विड मटेरियल भी है. तो यहां पर जो सेटल्ड हो गया, जो सेटल्ड हो गया इस फिल्ट्रेशन के थ्रू, हमें दो चीज मिली है. एक को हमने क्या बोला, एक को हमने बोला प्राइमरी स्लज, राइट, और दूसरा जो फिल्ट्रेशन आया उसको हमने बोला इफ्यूलेंट. ठीक है, उसको हमने बोला इफ्यूलेंट. तो ये जो लिक्विड है बच्चों, ये जो लिक्विड है ये क्या है, इफ्यूलेंट है. आ गई, इसी को मैं क्या बोलती हूं, इसको मैं कहती हूं, एक और इफ्यूलेंट को ही हम कहते हैं सुपरनेटेंट. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट कहते हैं. क्लियर दैट. आ गई क्या बात समझ में, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में क्या हुआ. पीछे चले आ जाओ, यहां पर आपने सीवेज वाटर डाला, डालने से क्या हुआ, वी हैव टू थिंग्स. ठीक है, यहां पर पेबल्स स्टोन वगैरह सेटल हो गए. ठीक है, सेटल्ड हो गए. बीच में आपका सुपरनेटेंट और इफ्लुएंट हो गया. ठीक है, यहां पर आपने क्या किया, सेटल्ड किया, फिल्ट्रेशन किया, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ गया, ये जो चीज है ये हो जाएगी इफ्लुएंट, और ये जो चीज हो जाएगा इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज. आई होप कि ये वाली चीज अब क्लियर हो गई. ठीक है, SLUDGE. ठीक है, ये आ गया समझ में, यहां तक की कोई प्रॉब्लम. यहां पर आपने कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाला क्या, नहीं ना, आपने यहां पर क्या किया, फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया. ठीक है, फिल्ट्रेशन किया और सेडिमेंटेशन किया, सेडिमेंटेशन से आपके सेडिमेंट हो गए, जो भी सॉलिड वेस्ट था जिसको आपने क्या बोला, प्राइमरी स्लज बोला, और जो ये इन्फ्लुएंट था, जो लिक्विड था जिसको आपने सुपरनेटेंट बोला, अब ये क्या करेगा, अब ये जाएगा सेकेंडरी टैंक में जाएगा. ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक के अंदर जाएगा. क्लियर दैट, यहां तक समझ में आ गया. अब ये जो अपना जो इफ्लेंट है ये भी कैसा है, प्राइमरी फर्स्ट टाइम आया, तो ये प्राइमरी इफ्लेंट कहां जाएगा बच्चों, अब ये जाएगा एरिएशन टैंक में. इसको हम क्या कहते हैं,
एरिएशन टैंक, राइट, एरिएशन टैंक है। अब यहां से मैंने कहा सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो गया बच्चों। ये क्या है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, दैट मींस यहां पर हम माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी हमें। क्या पड़ेगी हमें? माइक्रोब्स की जरूरत पड़ेगी। तो सुनो, यहां से ये वाला एफ्लुएंट आया, कहां गया अपना ये कलर, ठीक है, आया, ठीक है, प्राइमरी एफ्लुएंट आया, ये लो। अब एरिएशन टैंक है तो प्रॉपर एरिएशन चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एरिएशन चाहिए। तो आप यहां पर क्या करोगे? प्रॉपर एरिएशन करवाओगे इससे, ठीक है। क्या चाहिए आपको? O2 चाहिए। अब सुनो, जब यहां से ये वाटर आएगा, ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर क्या है? बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है इस एफ्लुएंट में, ठीक है। ये जो एफ्लुएंट है इसके अंदर क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है। अब ऑर्गेनिक मैटर को आपने डाला, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को इस एरिएशन टैंक में डाला, और साथ ही साथ में यहां पर क्या है? एरोबिक आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, साथ ही साथ फंजाई है। क्या है इसके अंदर, क्या क्या प्रेजेंट है? यहां पर देखो, यहां पर आपके पास है एरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है, जिसमें आप बैक्टीरिया और कुछ फंजाई यहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो इसको क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने का काम करेंगे। तो ये भी मैं सोच रही हूँ समझा दूँ आगे ही, ठीक है। अब आप देखो एरिएशन टैंक में क्या हो रहा है, एरिएशन टैंक, राइट, ये हमारा प्राइमरी टैंक, प्राइमरी टैंक से हमारे पास क्या आ गया? एफ्लुएंट आ गया। इसके अंदर क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है। यहां पर तुमने माइक्रोब्स डाल दिए, माइक्रोब्स डाल दिए। अभी क्या करेंगे? सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनोगे। एक होती है हमारे पास टर्म बीओडी, ठीक है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ध्यान से सुनना ये टर्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप क्या करोगे इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को समझने के लिए? पहले देखो बीओडी क्या होती है। आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, वाटर लिया, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या मिला दिया? सीवेज, या फिर आप बोल दो ऑर्गेनिक मैटर मिला दिया। फाइन, ऑर्गेनिक मैटर आपने इसके अंदर डाल दिया, डाल दिया। इसके अंदर क्या है? माइक्रोब्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? माइक्रो प्रेजेंट है। आप क्या करेंगे? अब सुनो, इस 1 लीटर पानी के अंदर, इस 1 लीटर पानी के अंदर, 1 लीटर पानी के अंदर इस प्रॉपर ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, ऑक्सी कुछ गलत हो रहा है ना स्पेलिंग में, ऑक्सीडेशन कर लो, कंप्लीटली उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, वो ही आपका क्या कहलाता है? बीओडी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीडेशन करने के लिए, या ऑर्गेनिक मैटर को प्रॉपर ऑक्सीडाइज करने के लिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, वो ही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। एम आई क्लियर विद दैट? मैंने कहा 1 लीटर वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको प्रॉपर ऑक्सीडेशन करने के लिए माइक्रोब्स को जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो ही उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है। क्लियर? चलो अब सुनो, आपने ये फ्लेन डाला, ठीक है, यहां पर माइक्रोब्स जो है, बीओडी यहां पर रेज होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा है। क्लियर दैट? अब धीरे धीरे क्या करेंगे, ये माइक्रोब्स ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर डाउन हुआ, माइक्रोब्स डाउन हुए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी डाउन हो गई। ये बात समझ में आ गया क्या? क्या हुआ यहां पर एरिएशन टैंक में, क्या क्रियाविधि चल रही है, ये समझ में आ गया? आ जाओ, ठीक, कहां गया अपना? यहां पर अब एरिएशन टैंक में अपने पास क्या बचा? अपने पास क्या बचा? यहां पर देखो बच्चों,
फ्लॉक, ये जो चीजें हैं, ये दोनों जो हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, फ्लॉक बचा. क्यों? क्योंकि अब हमारे पास क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम रह गया है, सीवेज का ट्रीटमेंट हो गया है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. अब ये जो इफ्लुएंट बचा है, ठीक है, यहां पर भी इफ्लुएंट बचा है, ठीक है, इफ्लुएंट कहां जाएगा, क्या होगा, देखो बच्चों, आप सुनना ढंग से वापस से, ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक. अब क्या होगा, यहां पर आपको पता है अपन ने वाटर को थोड़ा सा प्यूरिफाई किया, जो सीवेज है उसको प्यूरिफाई किया है आपने, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने इसमें माइक्रोब्स डाले हैं, माइक्रोब्स डाले हैं, जितना बीओडी लेवल कम उतना आपका पानी साफ, जितना आपका बीओडी ज्यादा उतना आपका पानी गंदा, ये कहानी याद रखो, बीओडी ज्यादा पानी गंदा, बीओडी कम पानी साफ, क्लियर दे. किसी भी वाटर की प्योरिटी को आपको देखना, उसकी क्वालिटी को आपको देखना, उसका पॉल्यूटेंट वो वाटर पॉल्यूटेंट है या नहीं है, वो चीज़ आपको देखनी है, तो आप उसका बीओडी लेवल जांच लो, क्लियर दैट. चलो, तो अब यहाँ पर क्या बच गया, अपने पास फ्लॉक और इफ्लुएंट बच गया. अब इसको अपन क्या करेंगे बच्चों, अपन इसको यहाँ से, अरे यहाँ से आप अपन डालें, ग्रीन कलर का आ गया, ये फ्लॉक आ गया यहाँ पे, ये लो अक्यूमुलेट कर दिया, ठीक है, और ये जो वाटर है ये भी यहां अक्यूमुलेट हो गया, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक. अब अपन ने इस फ्लॉक को यहां पर सेटल कर दिया, और जो ये वाटर है वो फर्दर अपन के कहां जाएगा, ये जो वाटर है ये फर्दर चला जाएगा अपने टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा. ये जो फ्लॉक बचा है इसको अपन कहां डालेंगे, आ जाओ, इस फ्लॉक को अपन डालेंगे इधर, ठीक है, और थोड़ा सा जो फ्लॉक होगा वो यहां जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी तो हमें प्रॉपर कराना है, सीवेज आता रहेगा, ये भी तो क्लीन हो जाए, और इसी को हम कहते हैं बच्चों, इसका नाम यहां लिख दूं, इसी को हम कहते हैं एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड स्लज, क्लियर दैट. फ्लॉक ही क्या है, असल में एक्टिवेटेड स्लज है, जो कि सेकेंडरी सेटलिंग जो टैंक है उसी से वो एरिएशन टैंक की तरफ जा रहा है, इसी को हमने एक्टिवेटेड स्लज का, इसके अंदर फ्लॉक प्रेजेंट है. फ्लॉक का क्या मतलब है, जिसके अंदर फंजाई और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया अपने प्रेजेंट होते हैं, ये बात समझ में आ गई यहां तक. अब ये जो हमारा फ्लॉक है हम ले जाएंगे यहां पर, फ्लॉक में क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है. अब इन्होंने कितना अच्छा काम किया है, देखो इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने जो इतना गंदा सीवेज वाटर था उसको प्यूरिफाई करने में हेल्प करी है, तो इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. अब रिवॉर्ड में हम क्या दे रहे हैं, सुनो, हम क्या कर रहे हैं, इनको लेकर जा रहे हैं एरोबिक एनएरोबिक डाइजेस्टर में. कहां ले जा रहे हैं, लिख दूं नाम, ये जो हमारा टैंक है इसको हम कहते हैं एन एरोबिक डाइजेस्टर, ठीक है, एन एरोबिक डाइजेस्टर में हम इसको लेकर गए. अब क्या होगा, इस फ्लॉक पे जो एरोबिक बैक्टीरिया है इस पे हम क्या करेंगे, एन एरोबिक माइक्रोब्स छिड़क देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एन एरोबिक माइक्रोब छिड़क देंगे. आ जाओ, बड़े से अच्छे से सुंदर से बनाते हैं, बड़े खतरनाक से, कैसे कलर के बनाऊं जो थोड़े से डेंजरस लगे, इसके बना दूं, ठीक है, आ जाओ. अब हमारे पास, अह क्यों भाई, कलर तो आओ, ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गए हैं, हा हा, अब हमारे पास आ गए हैं एनएरोबिक माइक्रोब्स, ठीक है, ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे. डाइजेशन, डाइजेशन हो रहा है, एनएरोबिक डाइजेशन हो रहा है. एनएरोबिक डाइजेशन का मतलब है आप क्या बना रहे हो, गोबर गैस, आप बना रहे हो अपनी बायोगैस, ठीक है, यहां से क्या कर रहे हो, आप बायोगैस का प्रोडक्शन कर रहे हो. किससे लिखूं, इससे लिख देती हूं, यहां पर आप कर रहे हो बायोगैस प्रोडक्शन,
ये बात समझ में आ गई क्या? जो हम फर्दर पढ़ेंगे बायोगैस का प्रोडक्शन हम देखेंगे अभी, तो ये चीज क्लियर हो गई। क्या किया हमने, वापस समझ लो, हमने सीवेज को इनपुट करवाया, सीवेज में हमने क्या करवाया, हमने फिल्ट्रेशन देखा। फिल्ट्रेशन करने के बाद हमारे पास दो चीजें आई, एक आया हमारे पास प्राइमरी स्लज, एक आया प्राइमरी इन्फ्लेट या फिर जिसको हम कहते हैं सुपर नेटिंग। ये जो है इसको हमने सेडिमेंटेशन के थ्रू, थोड़ा सेडिमेंट हुआ ठीक है, इसके अंदर पेबल्स थे, ये हमने इल्यूट आउट कर लिए, बाहर निकाल दिए। अब ये जो बचा है हमारे पास प्राइमरी इन्फ्लेट, ये हमने डाला एरिएशन टैंक में। एरिएशन टैंक के पास, टैंक में क्या है, हमारे पास माइक्रोब्स हैं, बीओडी की मात्रा बढ़ेगी, बीओडी कर रही हूँ, बीओडी की मात्रा बढ़ेगी ठीक है। और क्या होगा इसके अंदर, जो डर्टी वाटर है वो क्लीन हो जाएगा। फ्लॉक किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लॉक का मतलब क्या है, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो फंजाए हैं, वो यहाँ पर अक्यूमुलेशन करते हैं और उसको ऑर्गेनिक मैटर को खाते जाते हैं। हमने बीओडी की बात करी, बीओडी क्या है, 1 लीटर वाटर में जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम बीओडी कहते हैं। जितनी ज्यादा बीओडी उतना पानी गंदा, जितनी बीओडी कम उतना पानी साफ। क्लियर दैट, यहां से पानी हमने साफ किया, लेकिन फ्लॉक भी आया। सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, सेटल करना चाहते हैं मैटर को, क्यों, अब ये पानी ठीक है, ये पानी या तो टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए चला जाएगा या फिर ये चला जाएगा रिवर के अंदर। अब ये आप पानी के अंदर भी छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो फ्लॉक है इसको हमें खत्म करना है। लेकिन थोड़ा सा फ्लॉक जो है हम इसमें डालेंगे क्योंकि इस वाटर को भी क्लीन करना है, इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्टिवेटेड स्लज। और ये जो फ्लॉक है इसको हम अवार्ड देंगे, अवार्ड में क्या देंगे, इस पे हम छोड़ देंगे हा 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 एन एरोबिक बैक्टीरिया, एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें छोड़ देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एन एरोबिक डाइजेशन के अंदर इसका डाइजेशन हो जाएगा, बायोगैस का प्रोडक्शन होगा। बायोगैस का प्रोडक्शन होने के साथ साथ एक और चीज होती है, क्या होगी बच्चों, देखो यहां पर साथ में हम एकदम सूखा सा हो जाता है, सारी चीजें निकल जाती है, लेकिन ये जो काम करता है वो करता है खाद का, मैन्योर का काम भी ये करता है। आप इसको खाद के रूप में यूज भी कर सकते हो, यानी कि जो सीवेज का ट्रीटमेंट हमने किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, इससे हमने बायोगैस भी बना ली, इससे हमने मैन्योर भी बना लिया और हमने पानी भी साफ कर लिया, पीने का पानी भी बना लिया और रिवर में भी डाल दिया। यानी कि कितना अच्छा काम किया आपने। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया, टर्शरी ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, आ जाओ टर्शरी ट्रीटमेंट में, जो पानी आपके मतलब घरों में आता है उसको भी क्लीन करना है, तो आप डीडीटी डाल दोगे, आप यूवी डाल दोगे, आप इसके अलावा क्या करोगे, क्लोरीन डाल दोगे, राइट, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या करते हो रिवर्स ऑस्मोसिस में, वाटर को प्यूरीफाई कराते हैं, ये हो गया हमारा टर्शरी ट्रीटमेंट। क्लियर दैट, तो आ जाओ एक बार हम देख लें, सीवेज और म्यूनिसिपल वेस्ट कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट होता है सीवेज के अंदर, ह्यूमन एक्सक्रीटा, ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड पैथोजेनिक बैक्टीरिया दैट शुड नॉट बी डायरेक्टली पास्ड इनटू रिवर, जिसको हम डायरेक्ट रिवर में नहीं डाल सकते, नहीं तो जो रिवर से हमारे घरों में पानी आ रहा है वो भी हमें पॉल्यूटेंट ही मिलेगा और हमारे बहुत सारी डिजीज हो जाएगी। इनटू रिवर स्ट्रीम्स एंड अदर वाटर बॉडीज, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी बिफोर डिस्पोजल, डालने से पहले वाटर, जो वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड विद अ हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स, माइक्रोब्स के द्वारा हम उसको क्लीन करेंगे, प्रेजेंट नेचुरली इन सीवेज, जो सीवेज के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन अ 2 stages, दो स्टेजेस में मेनली करते हैं। तीसरी स्टेज तब आएगी जब आप इसको रिवर में ना डाल करके आप इसको घरों में भेजोगे, ठीक है, हाउसेज में भेजोगे, पीने के लिए भेजोगे, तब हम तीसरा ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में है वो 2 ट्रीटमेंट है, इसलिए मैंने 2 stages लिखी है। क्लियर दैट, लाइक दिस हमने क्या किया, यहां से देखो, होम से बिजनेस से गंदा पानी आया, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाला, एरिएशन टैंक में गया, एरिएशन टैंक से ये कहां चला गया आपका, जो हमारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, फिर आपका ये कहां पर चला गया, जो या तो रिवर में चला गया, ठीक है, या फिर आपका क्या चला गया, ये टर्शरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर दैट, चलें आगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन किया आपने, सेडिमेंशन हुआ, क्या मिला, प्राइमरी एफ्लुएंट मिला। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप क्या देखोगे, फ्लॉक, फंगाय और एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एक्टिवेटेड स्लज क्या है, कुछ भी नहीं, यही होता है सेकेंडरी एफ्लुएंट, जो जाएगा कहां, फ्लॉक के साथ, किसके अंदर, सेकेंडरी सेटलिंग
सेटलिंग टैंक के अंदर। टर्शरी या ट्रीटमेंट केमिकल में क्या करोगे, रिमूव पैथोजन हैवी मेटल्स, डीडीटी, टर्बिडिटी, जो कभी झाग झाग वाला पानी नहीं आता है नलों में, आप देखो कभी जहां पर जब भी पानी आता है आपके घरों में, कभी कभी इनिशियल लेवल पे एकदम वाइट दूधिया सा पानी आता है, वो जो पानी होता है उसको हम कहते हैं टर्बिड वाटर, इसको भी हम रिमूव करते हैं, इसको भी हम क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेज, जिरकोनियम सॉल्ट, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लोरीन गैस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ के द्वारा। क्लियर दैट? माइक्रोब्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, अब हम देखेंगे बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होता है, कुछ भी नहीं है बायोगैस में, आ जाओ। ठीक है, सुनो, यहां से आपने क्या डाला, यहां से जो भी गंदगी आ रही है, बेसिकली ये जो है गड्ढा खोद के बनाया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, जो भी आप ट्रीटमेंट करते हो या जो भी आप प्रोसेस अपनाते हो वो अंडर द ग्राउंड होता है, 10 से 15 फिट का गड्ढा खोदा जाता है, 10 से 15 फिट का जो है गड्ढा खोदा जाता है, उसके अंदर हम पूरा टैंक को मैनेज करके बनाते हैं, यहां से जो भी गंदगी आप डालोगे, ठीक है, यहां पे बहुत सारे, ये कैसा है, एन एरोबिक डाइजेस्टर की तरह ही काम करता है बिल्कुल। यहां पर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां से जो डालते हो वो एक्चुअल में क्या होता है, डंग होता है, ठीक है, और साथ में वाटर होता है, ठीक है। गोबर गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि काऊ डंग, ठीक है, एनिमल एक्सक्रीटा, इसके साथ वाटर की स्लरी बनाते हो, बिल्कुल होमोजीनस स्लरी बनाई, स्लरी को आपने यहां से पास थ्रू करवाया, इसके अंदर क्या डाला आपने, मिथेनोजन बैक्टीरिया डाला, ठीक है, मिथेनोजन बैक्टीरिया डाला, यहां से गैस का प्रोडक्शन हुआ, गैस निकल जाएगी यहां से, और जो बाकी बचेगा वो आप मैन्योर की तरह यूज ले लोगे। क्लियर दैट? आगे बात समझे, बहुत इजी सी बात है, जिसने सीवेज ट्रीटमेंट समझ लिया वो बायोगैस का प्रोडक्शन बहुत आराम से समझ सकता है। आ जाओ देखो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन इन बायोगैस, बायोगैस इज ए मिथेन रिच फ्यूल गैस प्रोड्यूस बाय एन एरोबिक ब्रेकडाउन और डाइजेशन ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के द्वारा हम होमोजीनस स्लरी, जिसमें कि काउडंग या एनिमल एक्सक्रीटा प्लस वाटर होता है, उसकी स्लरी बनाते हैं, फिर उसको डाइजेस्टर से गुजारते हैं, उसके अंदर मेथोजेनिक बैक्टीरिया डाल, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया डालते हैं, और उसी से क्या होता है, डाइजेशन जब करते हैं तो मिथेन गैस निकलती है। मिथेन गैस के साथ साथ क्या क्या निकलता है, मिथेन गैस तो निकलती है, इसी के साथ CO2 भी निकलती है, इसके साथ आपकी H2S भी निकलती है, इसके साथ आपकी N2 भी निकलती है, इसके साथ आपकी H2 भी निकलती है, इतनी सारी गैसेस निकलती है। सो इन इट इज एन आइडियल गैस मेड अप ऑफ 50-70% मिथेन बनती है, 30-40% CO2, 1-5% H2 एंड ट्रेसेस निकलते हैं O2 एंड N2 और H2S के, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स, अब जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से माइक्रोब्स है, ये इंपॉर्टेंट है, मिथेनोजेनिक आर्किबैक्टीरिया एंड बेसिलस, इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन आता है बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर। तो आप देखोगे हमने क्या किया, मिक्सिंग टैंक यहां पर मिक्स किया, किसको, काउडंग को और साथ ही साथ वाटर, इसकी स्लरी बनाई, स्लरी से इस पाइप के अंदर आया, आया यहां पर क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन से जो गैस बन रही है वो यहां से निकल रही है, ठीक है, गैस यहां से बाहर निकली, और क्या होगा, जो भी और बचेगा उसको हम क्या कर लेंगे, मैन्योर के तौर पर यूज कर लेंगे। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट। अब देखो दो चीज और इंपॉर्टेंट यहां पर, एक तो कैसे बनता है बायोगैस प्रोडक्शन में, 10 से 15 फिट हम गड्ढा खोदते हैं, कौन कौन सी गैसेस निकलती है, CH4, CO2, H2, N2, H2S, क्लियर दैट? क्या करते हैं हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, कौन कौन से बैक्टीरिया यूज करते हैं, तो मिथेनोजन आर्किबैक्टीरिया प्लस बेसिलस, क्लियर दैट? ये बात समझ में आ गई। अब ये बेसिकली आप देखोगे गाँव में शुरुआत हुई थी, गाँव में क्यों, क्योंकि जो काउज होती हैं वो मोस्टली गाँव में यूज लेते हैं, तो उनका जो डंग है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्लियर दैट? तो ये किस किस, ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है बायोगैस प्रोडक्शन का, वो किसने चलाया, दो संस्थाओं ने चलाया, एक का नाम था हमारा AIRI, AIRI का मतलब क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरा है हमारा क्या है बच्चों, KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज
कमीशन, राइट, इन दोनों ने क्या करा, गोबर गैस प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करी, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया. क्लियर दैट? चलिए, नाउ वी हैव किस तरीके से कार्यक्रम होता है, किस तरीके से माइक्रोब्स हेल्प करते हैं. आप सुनो, आपको पता है क्या है, जो भी स्लरी बनती है, ठीक है, जो भी स्लरी बनती है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सेल्यूलोज होता है, उसके अंदर हमारे पास पैक्टीन होता है, उसके अंदर हमारे पास प्रोटीन होता है, ठीक है. सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको सिंपलर फॉर्म में तब्दील करना है, ठीक है. सिंपलर फॉर्म में तब्दील करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्युबलाइजेशन फर्स्ट बार, ठीक है. क्या करने पड़ेगा, सॉल्युबलाइजेशन करेंगे, किसकी हेल्प से करेंगे, हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होंगे जिनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर माइक्रोब्स, डीकम्पोज कर रहे हैं, सिंपलर फॉर्म में लेकर आ रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजर माइक्रोब्स. फिर जो भी हमारे पास सिंपलर फॉर्म आई उसको हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक एसिड में चेंज करना है. किसमें, ऑर्गेनिक एसिड में. तो बैक्टीरिया कैसे होंगे, एसिडोफिलिक होंगे. बैक्टीरिया कैसे होंगे, एसिडोफिलिक होंगे. तो इसको क्या कहेंगे प्रोसेस को, एसिडोजेनेसिस और फर्मेंटिव माइक्रोब्स या फिर एसिडोफिलस माइक्रोब्स. फिर ऑर्गेनिक एसिड को हम गैस में चेंज करेंगे, बायोगैस में. तो हमें क्या चाहिए, मिथेनोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है. मिथेनो जो हमारे मिथेनोजेंस होते हैं उसकी उसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या बनेगी, गैसेस बनेगी. तो हम इसका ओवरव्यू यहां देख लें. बायोगैस प्रोडक्शन, इसके लिए क्या करोगे आप, ये सेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, ठीक है, एक्सेट्रा, इसको आपने क्या किया बच्चों, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है. सिंपलर फॉर्म में चेंज किया, कैसे किया, इनको हमने सिंपलर फॉर्म में चेंज करने के लिए सॉल्युबलाइजेशन किया, सॉल्युबलाइजेशन किया, राइट. और जो माइक्रोब्स हमारे पास काम आए वो हमारे पास क्या काम आए, डीकंपोजर माइक्रोब्स, ठीक है. ये चीज हमने देख ली, डीकंपोजर माइक्रोब सिंपलर फॉर्म में आ गया. इस सिंपलर फॉर्म को हम किस में तब्दील करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड्स में, ऑर्गेनिक एसिड्स में. ऑर्गेनिक एसिड में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिडोफिल्स, और क्या होगा, एसिडोजेनेसिस, एसिडोजेनेसिस, और बैक्टीरिया जो चाहिए वो क्या होंगे हमारे, एसिडो स्पेलिंग, जो बैक्टीरिया होंगे इसको हम कहेंगे फर्मेंटेटिव माइक्रोब्स या एसिडोफिलस माइक्रोब्स. नाउ ऑर्गेनिक एसिड में चेंज हो गया, अब इसको हम किस में करेंगे, बायोगैस प्रोडक्शन में, बायोगैस बनाएंगे. बायोगैस में क्या होगा, CH4, CO2, H2, N2, H2S, राइट. यहां पर आपको क्या चाहिए, मिथेनोजेनेसिस, क्योंकि मिथेन का प्रोडक्शन कराना है, मिथेनो जेनेसिस और मिथेनोजेंस. क्लियर दैट, आ गई बात समझ में, चले आगे. नाउ वी हैव बायो कंट्रोल एजेंट्स. बायो कंट्रोल एजेंट्स में आपके पास आएंगे बायो फर्टिलाइजर्स और आपके पास बायो पेस्टिसाइड्स. क्या क्या होते हैं, देखो बच्चों, आजकल आपको पता है कि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, राइट. पेस्टिसाइड्स हमारी जो सॉइल होती है उसकी क्वालिटी को ख़राब करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, राइट. और जो ह्यूमंस होते हैं उन पे भी हार्मफुल इम्पैक्ट दिखाता है. क्लियर दैट. सो केमिकल पेस्टिसाइड्स वर यूज्ड इन एग्रीकल्चरल लैंड टू गिव अ प्रोटेक्शन टू प्लांट क्रॉप बाय किलिंग और रिमूविंग पैथोजन एंड पेस्ट. हम तो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा केमिकल, जब हम पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो हम स्प्रे करते हैं. स्प्रे करने से क्या होता है, प्लांट के हर पार्ट पर वो पेस्टिसाइड्स
जमा हो जाते हैं। यदि आप खाओगे खुद या कोई एनिमल खाता है तो उस पर भी हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल के अंदर भी मिल जाते हैं, एयर के अंदर भी मिल जाते हैं, तो ये क्या होता है, पूरी जगह पे स्प्रेड करते हैं। तो इनके कंट्रोल को रोकने के लिए या इनसे बचने के लिए हमने क्या किया है, माइक्रोब्स का यूज किया है, इसी को हम कहते हैं बायो कंट्रोल। क्लियर दैट? बट डिस्पाइट बींग एडवांटेजेस देर आर वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। बहुत सारे डिसएडवांटेज है, जैसे कि कंटिन्यूस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स डेवलप रेजिस्टेंस अमोंग इस पेस्ट एंड पैथोजेंस अगेंस्ट पेस्टिसाइड्स। जैसे कि इससे रिलेट नहीं है लेकिन सुनो, आप घर पे क्या लगाते हो, बहुत सारी जैसे कॉइल लगाते हो मॉस्किटो मारने के लिए, ऑल आउट लगाते हो, बहुत सारे तरीके आते हैं लेकिन मच्छर मरते ही नहीं है। नहीं मरते हैं क्यों? क्योंकि वो कैसे हो जाते हैं, हम बस करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंट हो जाती है उनकी बॉडी, जला लो तुम जला लो, हम तो काटेंगे, राइट? वैसे ही जब आप बहुत ज्यादा टाइम तक पेस्टिसाइड यूज करते हो तो उनके प्रति क्या आ जाता है, रेजिस्टेंट पावर आ जाता है उन पेस्ट के अंदर, उन पैथोजन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट डिसएडवांटेज। नेक्स्ट की हम बात करें, दे किल इवन यूजफुल ऑर्गेनिज्म, हार्म ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स, पॉल्यूट सॉइल फ्रूट वेजिटेबल। सब जगह स्प्रे हो रहा है तो हर जगह गिरेगा, आपने यदि फ्रूट खा लिया तो आपको हार्मफुल हो जाएगा। क्लियर दैट? तीसरी बात है, दीज आर टॉक्सिक एंड बायोसाइड्स। टॉक्सिक होते हैं, बायोसाइड्स की तरह काम करते हैं। सो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को यूज किया है जो बायो कंट्रोल कर सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया है। तो सबसे पहली बात है हमारे पास लेडी बर्ड। लेडी बर्ड किस पे काम करती है, हमारे अफाइट्स पे। क्या होते हैं, देखो बायो कंट्रोल, जैसे कि आप नहीं करते, जैसे कि आप हो सकता है, जैसे कि आप क्या करते हैं, आपका दुश्मन, ठीक है, आपका दुश्मन है और कोई और उसको मार रहा है, आप उसको मार भी नहीं रहे तो आप तो खुश हो, तो आप क्या कर रहे हो, आपके प्लांट को बचाने के लिए आपने लेडी बर्ड को भेजा, और लेडी बर्ड किस पे काम कर रही है, अफाइट। अफाइट क्या करते हैं, पूरी क्रॉप को खराब कर देते हैं। जैसे आप यहां देख सकते हो, ये छोटे छोटे क्या है, अफाइट्स हैं, और इसको कौन खा रही है, लेडी बग बीटल खा रही है। दूसरे हम बात करें ड्रैगन फ्लाई, जिसको आप हेलीकॉप्टर कहते हो, हेलीकॉप्टर क्या करता है, मॉस्किटो। जैसे आप गार्डन में खेल रहे हो, गार्डन में आपने देखा होगा बच्चों के सर पे एकदम बहुत सारे मच्छर होते हैं, उसी के ऊपर ड्रैगन फ्लाई होती है, ड्रैगन फ्लाई करती है, उस मच्छरों को नाश करती है, मच्छरों के नाश के लिए ड्रैगन फ्लाई। देखो मतलब घर में ड्रैगन फ्लाई मत पाल लेना, ठीक है। सो ड्रैगन फ्लाई क्या करती है, जो लार्वा होते हैं मॉस्किटो को, उनको खा जाती है, किल कर देती है, प्रे अपॉन मॉस्किटोज लाइक दिस। यहाँ पर क्या है, देखो ये ड्रैगन फ्लाई जो है मॉस्किटो की लार्वा को खा रही है। नाउ फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा। अब क्या होगा, ट्राइकोडर्मा जो होती है वो फ्री लिविंग रहती है, मतलब वो रूट से, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये रूट है, इस रूट पे कोई भी एसोसिएशन नहीं बनाएगी, फ्री लिविंग है वो, उसके आसपास क्या करेगी, ऐसी प्रोटेक्शन कर देगी, ऐसी कवरिंग करेगी कि और कोई पैथोजन इसको हार्म नहीं कर सकता, और कोई पैथोजन इसको हार्म नहीं कर सकता। तो ट्राइकोडर्मा क्या है, ये एक फंगस है। क्लियर दैट, याद रखेंगे। नाउ बैसिलस थुरिंजेंसिस। बैसिलस थुरिंजेंसिस से आपने पढ़ा है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, क्या करते हैं, क्राय प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या करता है, मान लीजिए जैसे ये बैसिलस थुरिंजेंसिस है, राइट, ये एक सिक्रीशन करता है केमिकल का, ठीक है, क्या करता है, मान लीजिए कि बॉल वॉर्म है, ठीक है, ये बॉल वॉर्म है, ये कॉटन के प्लांट को खाना चाहता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ देखा है ये कॉटन के प्लांट को इन्फेक्ट करना चाहता है। अब हमें इस कॉटन को बचाना है तो हमने क्या बनाया, बीटी कॉटन यानी कि बैसिलस थुरिंजेंसिस लिया, ठीक है, कैसा आता है आपको पता है, बीटी के शैशे आते हैं, पाउच बने आते हैं, उसको काटा, पानी में घोला और उस पर स्प्रे कर दिया, तो जहां जहां भी ऐसे बॉलवॉर्म उसको काटेंगे, लीव्स को काटेंगे या कुछ को भी काटेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो किल हो जाएंगे। कैसे एक्शन करता है बीटी का, एक्शन कैसा होता है, देखो ये बॉलवॉर्म है, ठीक है, ये इसकी गट लाइन है, ठीक है, गट के अंदर ये इसका मिड गट है, ठीक है, ये इसका मिड गट है, मिड गट जैसे ही ये खाएगा बीटी इसके अंदर जाएगा, इस मिड गट को क्या कर देगा, ये अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगा, क्यों, क्योंकि यहां पर ये पोरस छिद्र बना देता है, परफोरेशन कर देता है, जिसकी वजह से इसकी मिड गट जो है ब्रस्ट हो जाती है और ये किल हो जाता है। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। तो इंसेक्टिसाइडल क्राई प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्पोर्स ऑफ बैक्टीरियम किल लार्वा ऑफ सर्टन इंसेक्ट। क्लियर दैट, कैसे काम करता है। नाउ वी हैव बेकेलो वायरस। ये देखो वायरस, ठीक है, वायरस हेल्प कर रहा है। वायरस जो है बच्चों बहुत ज्यादा आईपीएम में यूज किया जाता है एज अ बायो कंट्रोल। क्यों, क्योंकि देखो हम इसको बोल रहे हैं न्यूक्लियोपॉली हाइड्रोवायरस, न्यूक्लियोपॉली हाइड्रोवायरस।
ये एक पॉइंट पे जाके ही काम करता है, जिस पॉइंट पे आप डालोगे उसी पॉइंट पे वर्क करता है। मान लीजिए कि ये है, ये पूरा टिश्यू है, यहां पर आपने डाला तो ये यहां पर ही काम करेगा, ये पूरे टिश्यू को खराब नहीं करेगा, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग मैनिंग इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स, और ये बहुत ज्यादा मतलब जो इंसेक्ट होते हैं उन पे वर्क करता है, नॉट स्पेशली जैसे हमने बोला अफाइट पे जो काम करता है वो लेडी बग करती है, मॉस्किटो पे वो काम करता है ड्रैगन फ्लाई करती है, बीटी कॉटन जो काम करता है वो हमारे बॉल वॉर्म पे काम करता है, लेकिन जो बिकेलो वायरस है ये ऑलमोस्ट पैथोजन पे वर्क करता है। इसीलिए बिकेलो जो बैक्यूलो वायरसेस है आर देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इंटर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM प्रोग्राम एंड इज डीलिंग विद द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। बहुत सेंसिटिव एरियाज में ही यूज करते हैं क्योंकि पॉइंट ही डालते हुए पूरा वर्क कर जाता है। सो नाउ वी हैव माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। हम लास्ट मतलब एंडिंग इस चैप्टर के एंडिंग पार्ट पे हैं कि अब हमें देखना है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से। देखो बायो फर्टिलाइजर बेसिकली बच्चों तीन तरीके के होते हैं। यदि हम बात करें बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स ठीक है, तो ये बेसिकली तीन तरीके से होते हैं, बैक्टीरिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया एंड हमारा फंजाई ठीक है। इसमें आप देखोगे बैक्टीरिया भी दो तरीके के हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया और या फिर एसोसिएशन में हो ठीक है प्लांट के साथ में। बीजीए भी दो तरीके के होंगे, या तो फ्री लिविंग होंगे या फिर एसोसिएशन में होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग होंगे। फंजाई में हम बात करेंगे बेसिकली माइकोराइजा की, ये भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एंडोमाइकोराइजा एंड एक्टोमाइकोराइजा। क्लियर दैट, ये हम पढ़ेंगे बायो फर्टिलाइजर्स में। आ जाओ, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हो। तीन हम बात करेंगे कौन कौन से, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एंड फंजाई। क्लियर दैट, सबसे पहले हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो है बच्चों फ्री लिविंग बैक्टीरिया की आप बात करोगे तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एजिटोबैक्टर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हम जो एग्जाम्पल देखेंगे वो देखेंगे हम राइजोबियम, राइट ये जो इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। यदि हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो वो आ जाता है एनाबीना एंड नोस्टॉक, जो कि फ्री लिविंग है। और यदि हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें तो आपके पास आ जाएगा एनाबीना एजुलाए। क्लियर दैट, डन। चलो नाउ वी हैव माइकोराइजा। माइकोराइजा बच्चों फंजाई है, ये क्या करती है जैसे रूट के साथ ठीक है, रूट के साथ इसका एसोसिएशन जरूरी है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहती है। ये क्या करती है, इसके साथ एसोसिएट होती है। प्लांट इसको खाना देता है, ग्लूकोज देता है ठीक है, और इसको रहने के लिए जगह देता है। और ये क्या करता है, सॉइल से जो मिनरल्स हैं वो प्लांट को दिलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस प्लांट जो है माइकोराइजा के बिना ग्रो नहीं कर सकता। यदि आपके सॉइल के अंदर माइकोराइजा नहीं है तो वहां पर पाइनस ग्रो नहीं कर पाएगा। ये मतलब स्ट्रॉन्ग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं दोनों। माइकोराइजा बेसिकली दो तरीके से होगी, कौन कौन से एक बार इसको देख लें। इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अ फंगस विद द रूट्स ऑफ अ हायर प्लांट। द मोस्ट कॉमन फंगल पार्टनर्स ऑफ माइकोराइजा आर ग्लोमस स्पीशीज। आपकी जो एनसीईआरटी में दे रखी है इंपॉर्टेंट है, कौन से स्पीशीज है, ग्लोमस स्पीशीज है। नाउ वी हैव एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा और एंडोमाइकोराइजा को समझने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है, पहले हम ये समझ लेते। देखो बच्चों एक्टोमाइकोराइजा की आप बात करोगे तो ये क्या करते हैं, प्लांट के बाहर एक शीत बना लेते हैं, राइट ये देख रहे हो ये वाली शीत, ये एक एक्सटर्नल शीत बना लेते हैं। लेकिन ये रूट और जो रूट हमारे जो टिश्यू होते हैं उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, जो हाइफी होती है क्योंकि फंजाई है हाइफी होगी, हाइफी जो है रूट के अंदर आगे टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बाहर एक शीत बनाते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा कोई शीत नहीं बना रहे हैं, देखो नहीं बना रहे एक्स्ट्रा शीत, दिख रही है ये वाली शीत नहीं है, लेकिन ये अंदर तक टिश्यू को पेनिट्रेट कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, एक्टो और एंडोमाइकोराइजा। आ जाओ रीड कर ले,
माइकोराइजा, इन एक्टोमाइकोराइजा द फंगल माइसीलियम कंप्लीटली एनक्लोज द फीडर रूटलेट्स फॉर्मिंग शीथ और मेंटल, एक शीथ बना लेती है, प्रॉपर कवर रहती है. द मेंटल ऑफ फंगल हाइफी increases the absorptive surface of roots and hence serve better intake of nutrient. क्यों? बाहर एक sheath बना लेती है, proper अपना hyphae फैला लेती है दूर दूर तक, और वहां से nutrition को absorb करती है, plant को देती है. Clear that? Such as nitrogen, phosphorus. Important question. आपसे पूछा जाता है कि माइकोराइजा सबसे ज्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट प्लांट को प्रोवाइड कराती है? फॉस्फोरस. ठीक है, याद रखेंगे. कैल्शियम पोटेशियम फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू द प्लांट. एग्जाम्पल पाइनस आप याद कर लेंगे. क्लियर दैट? नाउ वी हैव एंडोमाइकोराइजा. इन एंडोमाइकोराइजा फंगस डज नॉट फॉर्म एनी एक्सटर्नल शीथ, कोई एक्सटर्नल शीथ नहीं बनाता है. द फंगस मोस्टली लिव इन द इंट्रासेल्युलर स्पेस, अंदर की रहता है, एज वेल एज इंट्रासेल्युलरली इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ द रूट, रूट की कॉर्टिकल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है. दो तरीके से, दो पार्ट्स में हमने पढ़ा. पहले हमने पढ़ा माइक्रोब्स इंडस्ट्रीज और हाउस में कैसे काम आता है, फिर हमने पढ़ा सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे काम आता है, बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे काम आता है, बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे आता है, बायो कंट्रोल की तरह कैसे काम आता है. क्लियर दैट? नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. आई होप कि ये चैप्टर जो है एकदम टिप्स पे रट जाएगा, तुम्हें टिप्स से समझ में आ गया होगा. तो आप इजीली सीधा फंक्शन लिखो, माइक्रोब्स लिखो, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है वो चीज़ लिखो, बात खत्म. चैप्टर बहुत ईजी है, सबसे ईजी चैप्टर लगता है मुझे. राइट? तो फिर मिलेंगे हम क्वेश्चन आंसर के साथ. जब तक थैंक यू.